सर क्या लगता है इस बार के चुनाव में तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार के किस क्षेत्र में काम होगा? देखिए, हर क्षेत्र में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों के खेतों में पानी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, जो प्रवासी हमारे बिहारी हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको भी काम मिलेगा। जो 40 लाख से ज्यादा लोग बिहार से बाहर हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। और शांति व्यवस्था सबसे बड़ी चीज है, जो महिलाओं के साथ रोज बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद। सर ये तो बात बिहार की हो गई, अगर आप इस बार चुनाव जीत कर आते हैं मनेर क्षेत्र से, तो मनेर के लिए आप क्या क्या परिवर्तन करेंगे? देखिए, परिवर्तन तो हो रहा है जी जी, और मैंने शुरू कर दिया है जी। एक तो पहला परिवर्तन मैं ये करूँगा कि मनेर सूफी संतों की धरती है जी, और मनेर गंगा और सोन और सरजू की नदी के तट पर बसा हुआ है जी। उसको आज तक पर्यटक स्थल नहीं घोषणा हुआ है जी जी। उसको संगम होना चाहिए और उसको पर्यटक स्थल बनाने का काम करेंगे। और जहां जो भी काम है, रुका हुआ है, कम हुआ है, काम को तेजी से करेंगे। देखिए, अभी ये बिहार में जितने भी MLA हैं उसमें आपका कद बहुत बड़ा है सर, ये हम नहीं सभी कोई जानते हैं। बिहार का सबसे बड़ा समस्या है सर कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, क्या आप इंडस्ट्री पर विचार कर सकते हैं? ऑनलाइन नौजवान है जी जी, और नौजवानों को रोजगार तभी मिलेगा जब इंडस्ट्री यहाँ आएगा जी जी। और हमारे नेता ने घोषणा किया है कि इतनी वैकेंसियाँ हैं कि जो 10 लाख मुख्यमंत्री होते ही और पहली कैबिनेट में ही 10 लाख को हम जी ये नौकरी देने का काम करेंगे जी जी। और फैक्ट्री लगेगा तभी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, इसलिए फैक्ट्री लगाना भी प्राथमिकता है हमारे नेता का जी। और जो चीनी मिल बंद पड़े हैं उसकी भी रिव्यू होगा, जो खुलने लायक होगा उसको खुलाने का काम। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।